दो व्यक्ति मिले, एक ने एक दूसरे से पूछा कहां रहते हो। हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, कहां रहते हो। तो कह दिया गुजरात में रहता हूं। गुजरात तो बहुत बड़ा है, कहां रहते हो। कि अहमदाबाद में रहता हूं। अहमदाबाद तो बहुत बड़ा है, कहां रहते हो। शाहीबाग में रहता हूं। वह भी तो बहुत बड़ा है, कहां रहते हो। अपना घर बता दिया, स्थान बता दिया कि वहां रहता हूं, उस फ्लैट में रहता हूं। वह भी तो बहुत बड़ा है कि अपने कमरे में रहता हूं। अरे कमरा तो बहुत बड़ा है, अपनी खाट पर रहता हूं, खाट तो बहुत बड़ी है। तो बोला अपने शरीर में रहता हूं, क्या शरीर तो बहुत बड़ा है, शरीर में तो पोलीपोल भरी है, पोला भाग शरीर का कितना, कहां रहते हो। आखिर बोला अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूं। अब ठीक उत्तर हो। हमें विस्तार से संक्षेप की ओर जाना है। हम बहुत फैले हुए हैं, अब संक्षेप में जाना है। अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो आत्म प्रदेशों तक पहुंचना है। आत्मा का जो अस्तित्व है, उसके जो प्रदेश है, प्रदेश राशि है, और जिनमें चेतना है, चैतन्यमय प्रदेश है, वहां तक पहुंचना है। तो फिर सारा विस्तार धीरे धीरे कम करना होगा, और कम करते करते चले जाएंगे तो फिर शरीर तक आ गए, चैतन्य केंद्रों तक आ गए, आभा मंडल तक आ गए, और फिर आखिर में आत्म प्रदेश तक हम पहुंच गए। वह हमारी आत्मा के साक्षात्कार की भूमिका। पर याद रहे कि यह पढ़ने से नहीं होगा, पाठ से नहीं होगा, स्वाध्याय से भी नहीं होगा। पाठ भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा होगा कि मन को विलीन करना। शरीर, मन और वाणी तीनों की प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना। जैसे जैसे ये प्रवृत्तियां कम होगी, भीतर से एक प्रकाश प्रकट होगा। जो प्रकाश है वह प्रवृत्ति के कारण बाहर नहीं आ रहा है। पूज्य पाद ने अच्छा लिखा है कि रागत द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनहि। एक समुद्र है, एक शांत समुद्र और एक तूफानी समुद्र। अब तूफानी समुद्र में पानी है, कोई व्यक्ति अपना मुंह देखना चाहे कभी दिखाई नहीं देता। तूफान नहीं, तरंगे नहीं, उर्मिया नहीं, कल्लोल नहीं, जल शांत हो गया, आदमी अपना मुंह देख सकता है। तो बतलाया गया कि जब राग और द्वेष इतने बड़े तूफान आ रहे हैं, यह आत्मा को हम समुद्र मान ले, उसके भीतर ये राग और द्वेष का इतना बवंडर, इतना बड़ा तूफान है, तो कोई व्यक्ति अपने आप को देख नहीं सकता। जब तक राग का तूफान है, द्वेष का तूफान है, कोई अपने आप को देख नहीं सकता। जब ये तूफान कल्लोल शांत होती है, उस समय वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है, और तत्तत्वम नेत्रो जने, उसको राग द्वेष की कल्लोल वाला आदमी कभी नहीं देख सकता। हमारी सारी साधना का, प्रेक्षा ध्यान का एक से रूप में प्रयोजन यह है कि राग और द्वेष को शांत करना। स्वास्थ्य प्रेक्षा भी इसीलिए कि राग द्वेष शांत हो, क्योंकि स्वास्थ्य प्रेक्षा बहुत सहायक बनती है। जो व्यक्ति अच्छा श्वास लेना नहीं जानता, सम्यक श्वास का प्रयोग करना नहीं जानता, उसका राग द्वेष और बढ़ जाता है।
शरीर प्रेक्षा का प्रयोजन भी राग द्वेष को शांत करना, चैतन्य केंद्रों का वही प्रयोजन, लक्ष्या ध्यान का भी वही प्रयोजन, अंतर यात्रा का भी वही प्रयोजन और अनुप्रेक्षा का भी वही प्रयोजन है। मूल प्रयोजन है राग द्वेष को शांत करना। जैसे जैसे राग द्वेष शांत होता है आत्मा का साक्षात्कार होने लग जाता है, आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है। हमारा शिविर था सुजानगढ़ में, नहीं जैन विश्व भारती में, सुजानगढ़ का एक युवक आया, पढ़ा लिखा अच्छा, आकर बोला कि मैं शिविर में रह सकता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकते, कि मैं नास्तिक हूं, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं रह सकता हूं। रह सकते हो, रहा 10 दिन के बाद शिविर संपन्न हुआ, जाने लगा, तब बोला मैं नास्तिक होकर आया था, तब आज आत्मा को मानता हूं, आस्तिक होकर जा रहा। ये साधन है, सब साधन है, हम भूले नहीं, ये सारी परीक्षा के सब साधन है, इनके द्वारा हम सत्य के निकट जा सकते हैं। कभी कभी ये प्रवचन स्वाध्याय भी काम कर सकता है। 2-3 दिन पहले एक गुजराती भाई का पत्र मिला कि मैं संस्कार चैनल में प्रतिदिन आपका प्रवचन सुनता हूं। काफी प्रबुद्ध आदमी लगा लिखने वाला, और बोला मैं नास्तिक था किंतु प्रवचन सुनते सुनते अब मैं आस्तिक हो गया हूं और मेरा आत्मा में विश्वास हो गया। स्वाध्याय भी सहयोग करता, ये सारे साधन है, स्वाध्याय ध्यान ये सब साधन बनते हैं। हम जैसे जैसे साधन के प्रति एकाग्र होते चले जाएं, निष्ठा के साथ अभ्यास करें, अपने आप आत्मानुभूति का अवसर आ जाता है। आप लोगों ने शिविर में 10 दिन बिताए, साधना की है, अब घर जा रहे हैं। मैं नहीं मान सकता, नहीं सोचता भी कि घर जाकर को इतना समय लगाएंगे, ये तो संभव भी नहीं है, किंतु अभी तो जो सीखा है, आप ये माने कि अभी कोई पहुंचे नहीं है, मात्र एक सीखा है कि कैसे किया जाए, विधि को जाना है, विधि को जाना है, करना तो अब बाद में है। यदि प्रतिदिन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा क्रम बराबर चलता रहे, तो फिर 3 महीने के बाद आप कह सकते हैं मैं यहां तक पहुंचा हूं, 6 महीने के बाद बता सकते हैं, और 1 वर्ष के बाद आपको लग सकता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। पहुंचने की बात बाद में आती है, अभी नहीं, अभी तो प्रवेश हुआ है। प्रवेश, इस प्रवेश को आप मंजिल न माने और पहुंचने की बात भी न माने, अभी तो प्रारंभ किया है, और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि पहुंचने के क्षण भी आ जाते हैं। इसलिए आप लोग दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि शिविर में आए, 10 दिन का देख लिया शिविर, अच्छा लगा, घर गए और विसर्जन, गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, विसर्जन कर देते, ऐसी विसर्जन, बस उसका विसर्जन कर दिया, एक तो वह रूप है। दूसरा यह है कि उसको सातत्यम नैरंतर्यम निरंतर चालू रहे, प्रतिदिन चालू रहे, तो फिर उसका एक नया रूप बनता है, और उसके बाद ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। I don't know.